नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन M.M. बेग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज आबकारी विभाग एवं शहर कोतवाली पुलिस ने की छापामार कार्यवाही की, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कच्ची शराब के गढ़चीरा व आसपास के क्षेत्र में सदर कोतवाली पुलिस एवं आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 2000 लीटर कच्ची शराब और 25,000 लीटर लहन नष्ट किया तथा अवैध रूप से चल रही करीब 10 शराब की भट्टियां भी नष्ट की गई। कार्यवाही के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से अवैध रूप कार्य कर रहे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद ललितपुर पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कई स्थानों पर अवैध इलिसिट लिकर के डिस्टिलेशन और उसको बेचने के कार्य की सूचना हम लोग लगातार संचित करते रहते हैं। इस सूचना पे कि एक गांव चीरा है जहां पे अवैध रूप से काफ़ी भारी मात्रा में शराब का निष्कर्षण हो रहा है। आज टीम भेजी गई थी जिससे बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर शराब की बरामदगी की है और टोटल 10 भट्टियाँ वहाँ पर चलती पाई गई जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है। 25,000 लीटर लहन जो 80 ड्रम्स में था उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। जो बनी हुई शराब है वो 2,000 लीटर है वो बरामद की गई है। इस कार में जो लोग संलिप्त थे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार हम लोग ये अभियान जारी रखेंगे और किसी दशा में इलिसिट लिकर का ना तो निष्कर्षण होने देंगे ना इसके सेल हम लोग।